हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के बारे में समझ रहे हैं। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, उसी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने के लिए आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रीदिंग की प्रक्रिया से डिफरेंट होती है, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना एक अलग प्रोसेस है, जिसमें हम ऑक्सीजन को प्राणवायु के तौर पे सांस में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट मटीरियल के तौर पे अपने शरीर से सांस के द्वारा छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस के बाद ये प्रक्रिया जो कहलाती है, इसको हम ब्रीदिंग की प्रोसेस कहते हैं, यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। वो केवल सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, उसको हम श्वसन की प्रक्रिया नहीं कह सकते। श्वसन की प्रक्रिया वो है जिसमें आपने जो भोजन खाया है उससे निकले पोषक तत्व को इस तरह से यूज किया जाए हमारे शरीर के द्वारा कि हमारे शरीर से उसमें ऊर्जा का उत्पादन हो, वो प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। आप सभी को मैंने बता दिया है कि श्वसन की प्रक्रिया जो है बच्चों, वो दो प्रकार की हो सकती है। एक तो ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की नितांत आवश्यकता है, यानी ऑक्सीजन के बिना वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं पूरी होती, जैसा कि हम मनुष्यों में होता है। हम मनुष्यों में वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरी होती है। और जैसे हमने सांस ली, हमने ऑक्सीजन गैस को प्राणवायु के तौर पे अपने शरीर के अंदर खींचा, शरीर के अंदर खींचने के बाद वही ऑक्सीजन जब हमारी एक एक कोशिका तक रक्त के थ्रू, हमारे रुधिर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है और एक एक कोशिका तक जब वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, तो वो ऑक्सीजन क्या काम करती है, एक एक कोशिका में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है। और उस कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, वायवीय श्वसन दो चरणों में पूरा होता है। पहला चरण जो है उसमें जो ऑक्सीजन है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पहुंचती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचती है। और अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है बच्चों, अंदर पहुंचने के बाद उसमें जो ग्लूकोज है वो 3 कार्बन अणुओं वाले पाइरुविक एसिड में टूट जाता है, यानी कि एक ग्लूकोज 2 पाइरुविक एसिड में टूट जाता है। और पाइरुविक एसिड जो है वो इसके बाद दूसरा जो चरण होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में आगे की प्रक्रिया होती है, जिसमें पाइरुविक एसिड को एसिटिल को एंजाइम में बदला जाता है। और एसिटिल को एंजाइम फिर बाद में ऑक्सीजन को जब ग्रहण कर लेता है तो उत्पाद के तौर पे वो ऊर्जा को निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और कुछ जल के अणुओं को भी रिलीज करता है। तो ये आपका हो गया, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, या जो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड के टूटने की प्रक्रिया है वो कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। तो ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरे प्रकार का श्वसन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप सभी देख रहे हैं, इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, 2 चरणों में पूरी होती है, जैसा कि वायवीय श्वसन के टाइम में हो रहा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जो वायवीय श्वसन है इसमें श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन अवायवीय श्वसन, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, उसमें दूसरे स्टेप को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखेंगे कि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोई भी श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें उत्पाद क्या बनते हैं, यानी उत्पाद जो है वो बदल जाएंगे, तो उत्पाद क्या बनेंगे। पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, इज द सेम एज दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस जो पहला चरण है वो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में सेम होता है। उसके बाद ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद 2 पाइरुविक एसिड के अणुओं में टूट जाता है। ये हो गया पहला चरण ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया।
दूसरे चरण में क्या होता है, पाइरुविक एसिड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब पाइरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेजा जाता, इट रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में ही रह जाता है और उसके बाद उसी पाइरुविक एसिड का साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक डाउन होता है, इट इज देन ब्रोकन डाउन इनटू वेस्ट प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल, और उसके बाद फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स में तोड़ दिए जाते हैं। द एंटायर प्रोसेस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरी प्रक्रिया यानी कि ये दूसरा चरण जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पूरा हो जाता है, यानी ये जो दूसरा वाला चरण है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा चरण जो है ये आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही पूरा हो जाता है। पहला चरण ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के बाद पाइरुविक एसिड में टूटा, उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब पाइरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो 2C2H5OH यानी कि अल्कोहल के दो अणुओं का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और दो ATP का भी निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, दो अल्कोहल के अणुओं का निर्माण होता है, दो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और दो ATP के अणुओं का भी निर्माण होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये अल्कोहल और CO2 ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं और जो ATP है वो केवल दो बनती है। अब आपने देखा कि जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करा रहे थे, जो वायवीय श्वसन हो रहा था, वायवीय श्वसन में जो ATP थी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा थी और जो अवायवीय श्वसन है उसमें ATP की मात्रा बहुत कम है, वहां पे 38 ATP के अणुओं का निर्माण हो रहा था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल 2 ATP अणुओं का निर्माण हो रहा है। ये सभी बच्चे एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और इसको अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की इलस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को बच्चों दो चरणों में पूरा किया जाता है और इन दोनों चरणों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी और उसके बाद अवायवीय श्वसन और कहां कहां पे होता है, क्योंकि जो सामान्य तौर पे हम श्वसन की प्रक्रिया जानते हैं, हम मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया वायवीय प्रकार की होती है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो जब हम अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ये कहां कहां पे होती है उसके बारे में भी आपको जानना है। एरोबिक रेस्पिरेशन तो होता है आपका मनुष्यों में मुख्य रूप से, जिसके बारे में हमने जाना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वाटर लॉग्ड प्लांट्स, यानी कि जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है वो कुछ ऐसे पौधों में होती है जिनकी जड़ों में, जिनकी जड़ें हमेशा पानी में रहती हैं, कुछ पैरासिटिक वर्म्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय प्रकार के श्वसन होता है। बच्चों ईस्ट में जो कि आपका बेकरी उत्पाद में ब्रेड बनाने में यूज होता है, जो अल्कोहल के निर्माण में यूज होता है, ईस्ट के अंदर भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और कभी कभी हमारे मसल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया हो सकती है। कैसे होती है, अगर देखो ये दो प्रकार से हो सकती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसा हो सकता है कि जहां पे एकदम ऑक्सीजन अनुपस्थित हो या ऑक्सीजन की कमी हो। जैसे अगर मान लीजिए कि हम बहुत लंबा ट्रैकिंग कर रहे हैं या चढ़ाई चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, तो कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारी सभी मांसपेशियों में ठीक प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो पाती और ऑक्सीजन के अभाव में जब ये प्रक्रिया होती है तब उसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हमारी मसल्स में होने लगता है और उससे हमारे पैरों में क्या हो जाता है, कभी कभी जिसको हम कहते हैं सामान्य तौर पे कि नस चढ़ गई, क्रैम्प आ जाते हैं, मसल क्रैम्प आ जाता है। तो वो क्यों होता है, वो ऑक्सीजन के अभाव में जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है तब ऐसा होता है और क्रैम्प में बहुत पेन भी होता है, तो उससे बचने के लिए गर्म पानी की सिकाई और गर्म तेल की मालिश, इससे सबसे आराम मिलता है और क्विक आराम के लिए
अगर आप बहुत लंबी लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करें जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होने लगे तो ये क्रैम्प जो है वो छूट जाता है। इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट ये क्या करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब इसमें होने वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, इसमें होने वाले एनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम कहते हैं किण्वन की प्रक्रिया। इन सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी इसको हम किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एथेनॉल इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। अब इसमें एथेनॉल फॉर्म होता है बाय प्रोडक्ट के रूप में, और ये आपको ऊपर के रिएक्शन से समझाया गया। यहाँ पे ये प्रक्रिया, इसमें ऑक्सीजन के अभाव में जब पाइरुविक एसिड टूटता है तो दो एथेनॉल के अणुओं का निर्माण हो जाता है। रिएक्शन याद रखेंगे, आपको ये रिएक्शन नोट करना है बच्चों। अब इसमें देखेंगे इलस्ट्रेशन ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, और बहुत बड़ी ऑक्सीजन का उत्पादन वायवीय श्वसन की प्रक्रिया में, ऑक्सीजन को जब हम सांस में अपने अंदर खींचते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये अवायवीय श्वसन की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो यदि हम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे एनर्जी तो हमें जरूरत है उसकी, लेकिन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, जैसे बहुत हाई एल्टीट्यूड के पहाड़ों में, जैसे हम अगर अपने प्रदेश उत्तराखंड के केदारनाथ एरिया की बात कर लें, तो केदारनाथ की तरफ क्या है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे स्थित है वो स्थान, तो वहां पे ऑक्सीजन का कमी रहता है। ऑक्सीजन नहीं है ऐसा नहीं होता है, पर ऑक्सीजन की वहां पे कमी होती है। तो वहां पे जो भी लोग जाते हैं या ट्रैकिंग कर रहे होते हैं लोग पहाड़ों पे, तो उनमें देखा जाता है, या रात में कभी कभी आपने खुद भी अनुभव किया होगा, रात में सोते समय कभी कभी क्या होता है, जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया शुरू हो जाती, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया बंद नहीं होती है ना। तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन के अभाव में ही एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, जहां पे पाइरुविक एसिड जो है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इन मसल सेल्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे ऑक्सीजन का अभाव हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स वेयर पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पे पाइरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। और ये जो लैक्टिक एसिड का जमाव है, ये जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है हमारे मांसपेशियों में, इसके कारण क्या हो जाता है, हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जिसे हम मसल क्रैम्प के नाम से जानते हैं। अचानक से मांसपेशियों में अगर ऐंठन होने लगे तो वो मसल क्रैम्प किसके कारण होता है, हमारी मांसपेशियों में ही ऑक्सीजन के अभाव में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया में, जो पहला चरण कंप्लीट होता है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा, ग्लूकोज का एक अणु दो पाइरुविक एसिड के अणुओं में बदल जाता है, जो कि तीन कार्बन वाला अणु है, उसमें जब ऑक्सीजन का अभाव होता है और अगली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के चलते क्या होता है कि पाइरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके कारण दिस अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। और इसी कारण से ये जो लैक्टिक एसिड का जमाव है मांसपेशियों में, यही मसल क्रैम्प का कारण या मांसपेशियों में ऐंठन का कारण होता है। अब हमने बात करी कि ये तो मनुष्यों में अवायवीय प्रकार का श्वसन, लेकिन इसमें ये जो श्वसन है ये बच्चों ऑक्सीजन के अभाव में होता है। एक तो होता है एकदम ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, और दूसरा जब ऑक्सीजन की कमी हो। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब मसल क्रैम्प देखा जाता है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट की। ईस्ट में ब्रीविंग इज एन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन। जब हम अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज कैसे ईस्ट को यूटिलाइज करती हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एथाइल अल्कोहल एंड CO2। वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट CO2 डिसिपेट्स इनटू एयर वेयर एज द अदर बाय प्रोडक्ट एथाइल अल्कोहल रिमेन्स इन द मीडियम। द अल्कोहल इज प्रोसेस्ड इन द ब्रूइंग इंडस्ट्री एंड इज यूटिलाइज कॉमर्शियली। जो अल्कोहल है यानी जिसको हम शराब कहते हैं, शराब के उत्पादन में ईस्ट का योगदान है और कॉमर्शियली औद्योगिक तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप सभी जानते हैं दैट फर्मेंटेशन प्रेडिजेस्ट्स फूड एंड इम्प्रूव्स द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है वो विटामिन बी को बढ़ा देती है किसी भी न्यूट्रिएंट पे। अच्छा, अगर जैसे अब ये एक प्रयोग है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि मतलब हम कैसे साबित करें कि हम प्राणवायु के तौर पे ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और सांस जब हम छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इज CO2 अ प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कैसे जानेंगे? एक बहुत सरल सा प्रयोग है और इस प्रयोग को करके आप बिल्कुल ये जान सकते हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है लेकिन जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। आप क्या करेंगे? दो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे यानी कि चूने का पानी लेंगे। टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टू टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम ए एंड बी। उसको हम ए और बी लेबल करेंगे। यूज अ सिरिंज टू पास एयर इन टू टेस्ट ट्यूब ए। एक सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे टू पास एयर इन टू टेस्ट ट्यूब ए एंड ब्लो एयर इन टेस्ट ट्यूब बी थ्रू अ स्ट्रॉ। उसके बाद हम एक स्ट्रॉ का भी यूज करेंगे और एक सिरिंज लेंगे जिससे हम टेस्ट ट्यूब ए में एयर को पास कराएंगे और टेस्ट ट्यूब बी में स्ट्रॉ के थ्रू हम हवा को फूंकेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं आपने दो टेस्ट ट्यूब ले रखा है जिसको हमने ए और बी लेबल करा। उसके अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाला, हाफ हाफ लाइम वाटर ए में भी डाला, टेस्ट ट्यूब बी में भी हमने लाइम वाटर डाला। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिरिंज से हम उसमें क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि रबर की ट्यूब लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, ब्लो करेंगे, अपनी हवा को फूकेंगे। मतलब जो हम सांस छोड़ रहे हैं तो मुंह के रास्ते उस सांस को हम टेस्ट ट्यूब बी में जब ब्लो करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे यू विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन बोथ टेस्ट ट्यूब्स। तो दोनों में हम क्या देखेंगे, दोनों में हम देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर था, ये चूने का पानी जो था, ये कैसा हो गया, ये दूधिया हो गया। लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें चूने का पानी बहुत तेजी से दूधिया हुआ। हम देख रहे हैं कि दोनों में धीरे धीरे चूने का पानी दूधिया हो जाएगा लेकिन जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें चूने का पानी दूधिया होगा बहुत स्पीड में, बहुत तेज। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड को टच करते ही दूधिया हो जाता है? लाइम वाटर इज द कॉमन नेम फॉर सैचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। चूने का पानी जो है, चूने का पानी जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कहते हैं, चूने का पानी का केमिकल फॉर्मूला है, ये सभी बच्चे नोट करेंगे, ये आपका कारण बताओ में आता है। कारण बताओ में आपसे पूछा जाता है कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते ही दूधिया क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चूने के पानी को मिलने पर वो दूधिया रंग क्यों देता है। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे लाइम वाटर इज द कॉमन नेम फॉर सैचुरेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का जो कॉमन फॉर्मूला है वो है CaOH होल स्क्वायर। क्या है? CaOH होल स्क्वायर।
इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. क्या है? इट्स केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, CaOH होल स्क्वायर. इसको सभी बच्चे साथ में नोट करते चलेंगे, इसको सभी बच्चे नोट करेंगे. चूने का पानी जो है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल स्क्वायर. आप देखते हैं कि जब उसमें हम अपनी सांस को ब्लो करते हैं सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब यहाँ पे जो प्रक्रिया हो रही है वो क्या प्रक्रिया हो रही है कि जो चूने का पानी है, चूने के पानी में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, मतलब जब हम उसमें अपनी सांस को ब्लो करते हैं, फूंकते हैं, तो क्या होता है, जिस रिएक्शन उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं. हम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें CO2 के मिलने से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट आपको दूधिया रंग देता है. तो इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से नोट करेंगे सभी बच्चे, CaOH होल स्क्वायर प्लस CO2, और एरो का निशान लगाएंगे CaCO3 प्लस H2O. इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, आता भी है. चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करवाया गया, यानी कि जब हमने ब्लो किया उसमें, तो जो CaOH2 था जब CO2 के साथ मिला, तो ये CaCO3 हो गया और H2O हो गया. ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या देखते हैं, इन टेस्ट ट्यूब बी लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की फास्टर बिकॉज द एयर वी एक्सहेल इज CO2. ये प्रक्रिया ये साबित करती है कि टेस्ट ट्यूब बी में क्यों तेजी से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था उसका विलयन क्यों तेजी से दूधिया हो गया, क्योंकि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है. इन कंपैरिजन, अगर हम तुलना करें, द इंट्रोड्यूस्ड एयर इज एटमॉस्फेरिक एयर इन टेस्ट ट्यूब ए. जो टेस्ट ट्यूब ए में सिरिंज के द्वारा एयर डाली गई वो वातावरण की हवा थी, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% मात्रा में ही शामिल होता है. तो इन वातावरण की हवा को जब हमने टेस्ट ट्यूब ए में पास करवाया, तो वहां पे पानी का रंग दूधिया हुआ, पर उसको होने में बहुत टाइम लगा. और टेस्ट ट्यूब बी में जहां पे पानी का रंग तुरंत दूधिया हुआ, वहां पर हमने अपनी सांस छोड़ी थी, जब हमने ब्लो किया तो पानी का रंग दूधिया हो गया, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट थी कार्बन डाइऑक्साइड. बच्चों, आज की क्लास में वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी ने समझ ली. आई होप कि आप सभी को समझ में आ गई होगी. और आज जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है उसमें आपने चूने के पानी के साथ जो प्रयोग है वो करके देखा. बहुत ही इजी, बहुत अच्छा प्रयोग है, और इस प्रयोग से ये साबित होता है कि जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, और जो हम सांस रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है. इसीलिए टेस्ट ट्यूब बी में जब हमने सांस को फूंका, ब्लो किया, तो ब्लो करने के बाद उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का, जो चूने का पानी था उस विलयन का रंग जो है वो दूधिया हो गया. आज की क्लास में इतना ही. अगले सेशन में हम श्वसन की ही समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, श्वसन का ही कॉन्सेप्ट समझेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.